नमस्कार दोस्तों। वैसे आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि अधिकतर आर्टिकल या तो कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए लिखे जा रहे हैं या फिर देशों के आपसी जो संबंध हैं उनको ध्यान में रखते हुए लिखे जा रहे हैं। तो आज का ये आर्टिकल भी आपका भारत की जो विदेश नीति है इसी से संबंधित है। जो भारत आपने देखा है आत्मनिर्भर भारत की बात की जा रही, तो उसी के संदर्भ में स्वतंत्र विदेश नीति की चर्चा बनी हुई है। तो देखते हैं किस संदर्भ में अभी चर्चा में है और विदेश नीति से तात्पर्य आपका क्या होता है, आखिर होती क्या है विदेश नीति, इसके बारे में भी जानेंगे। भारत में विदेश नीति के मूलभूत सिद्धांत क्या है उन्हें भी देखेंगे। भारतीय विदेश नीति की वर्तमान दिशा क्या है, करंट में जो दिशा क्या है इस पर भी बात करेंगे। विदेश नीति के समक्ष चुनौतियां क्या क्या है और आगे की राह क्या हो सकती है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। आप सभी को पता होगा कि 15 अगस्त 2020 को भारत अपनी स्वतंत्रता की 74वीं वर्षगांठ के आयोजन का साक्षी बनेगा। कौन सी नंबर की? 74वीं वर्षगांठ। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस आत्मनिर्भर भारत की थीम पर आयोजित किया जा रहा है। वस्तुतः आत्मनिर्भरता सदैव ही भारत का लक्ष्य रहा है, परंतु वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के बाधित होने से इस दिशा में गंभीरता के साथ प्रयास करने की आवश्यकता को महसूस किया गया है। क्योंकि आपने देखा है सभी देशों से आयात निर्यात पूरी तरह से बंद हो चुका है, तो इसलिए कम से कम ऐसी अगर आगे कभी परिस्थिति बनती है तो कम से कम हमारे देश इतना तो निर्भर होना चाहिए कि अपना जो भी काम है वो कर सके, रुका ना जाए। आप अभी भी जानते हैं कि कहा जा रहा है, अभी जो भी रिपोर्ट आ रही है उसमें कहते हैं कि जो हम दवाइयां बनाते हैं उनमें से कच्चा माल जो लगता है उसमें हम लोग 70 से 75% चीन पर निर्भर हैं। आप समझ रहे हैं, जो हमारे यहाँ फोन है जो हम लोग चलाते हैं, अगर 4 फोन है तो उसमें से समझिए कि 3 फोन हम लोग चाइनीज कंपनियों के चला रहे हैं, यानी कि चाइना पर निर्भर है। इसी तरह आप हर क्षेत्र में देख सकते हैं। तो कम से कम हमारे पास इतना उपलब्ध तो होना चाहिए कि हम अपना अपनी पूर्ति खुद कर सके। अब आप सोचिए, आप लोग ही सोचिए कि आज हम लोगों ने राफेल विमान आयात किए हैं। कहाँ से किए हैं? फ्रांस से। अब आप सोचिए कि ये राफेल खरीदे हुए हैं, हो सकता है कि आगे हमें कोई ना दे, अमेरिका आज हमारा साथी बनना दिख रहा है आपको, लेकिन हो सकता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि कल अमेरिका हमारा साथ ना दे, हो सकता है हम पर पाबंद लगा सकता है। तो हमें खुद तो इतना आत्मनिर्भर होना चाहिए, समझ रहे हैं आप लोग। वर्तमान भारत में भारत आत्मनिर्भर बनने की ओर अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। ऐसे में भारत अपनी विदेश नीति का समग्रता से मूल्यांकन भी कर रहा है। इस समय विश्व के विभिन्न घटनाक्रमों ने भारतीय विदेश नीति के समक्ष कुछ कठिन चुनौतियों को भी प्रकट किया है। इसमें आप देखेंगे ईरान तेल संकट, अमेरिकी द्विपक्षीय व्यापार तथा चीन की मुखर होती नीति। इन चुनौतियों के कारण भारतीय हितों को वैश्विक स्तर पर साधने में समस्या का सामना भी करना पड़ रहा है। भारत के हित जहां एक ओर अमेरिकी नीतियों के कारण ईरान और रूस के संदर्भ में प्रभावित हो रहे हैं, तो दूसरी ओर भारत अमेरिका व्यापार पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। वहीं चीन की नीति विश्व राजनीति में अपने प्रभाव और शक्ति को बढ़ाने के उद्देश्य से परिचालित है, जो दक्षिण एशिया में भारत के लिए समस्या उत्पन्न कर रहा है। एक बार आप लोगों को मैप पर ले चलता हूं। ये हमारी प्यारी पृथ्वी, इसमें ये हमारा प्यारा भारत। आज आप लोग देख रहे होंगे ये हमारा श्रीलंका है, हमारा पड़ोसी बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये चीन है। चीन से हमारी सीमा नहीं लगती थी, आपको मालूम होना चाहिए, लेकिन जब से तिब्बत को हड़प लिया चीन ने तो हमारी सीमा चीन से भी लगने लगी है। अभी आप जान रहे हैं कि सबसे बुरे रिश्ते हमारे नेपाल से भी चल रहे हैं, पाकिस्तान से भी, और खासे रिश्ते हमारे बांग्लादेश से भी नहीं है और न श्रीलंका से। समझ रहे, कुछ ज्यादा अच्छी मित्रता नहीं है हमारी। हमसे ज्यादा इनका इन सभी झुकाव इन देशों का चीन की तरफ दिखाई दे रहा है। तो वैसे भी हमें अपनी नीति में देखने की, विदेश नीति है इसमें झांकने की जरूरत है कि आखिर हमारा नेपाल इतना अच्छा मित्र हुआ करता था, क्यों हमसे दूर जा रहा है, इस पर हमें विचार करने की बात है। क्योंकि पड़ोसियों से हमें संबंध हमेशा अच्छे रखने जरूरी है। वो कहते हैं ना कि पड़ोसी बदले नहीं जा सकते हैं, ठीक है, तो उन्हें से रिश्ते बनाना अच्छा ही, अच्छे रिश्ते रखना ही हमारे लिए फायदेमंद। ईरान की बात करें तो अभी आपने देखा है कि चाबहार पोर्ट का हम लोग ईरान में निर्माण कर रहे थे, परियोजना थी रेल, इससे जुड़ी हुई रेल प्रोजेक्ट परियोजना। आपने देखा कि उसे हम लोगों ने
उसने चीन के साथ साझेदारी करके मतलब उस प्रोजेक्ट को चालू कर दिया। भारत को उससे अलग करने की बात की जा रही है, तो आप समझिए क्यों की जा रही है। इसलिए क्यों जा रही है, क्योंकि हम लोगों ने जब से देखा है कि ईरान पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए हुए हैं, तब से हम लोगों ने वहां परियोजना पर काम करना बंद कर दिया था। तो आप समझ रहे हैं, अमेरिका की वजह से हम लोग काफी कुछ देशों से अलग होते जा रहे हैं। आज रूस के बारे में आप देख सकते हैं कि रूस, ये आपका रूस, एक समय पर आप सभी जानते हैं कि रूस से हमारे कितने अच्छे दोस्त हुआ करता था रूस हमारा। आज आप देख रहे हैं कि रूस से हमारी दूरियां बढ़ती जा रही हैं, और रूस का झुकाव चीन और पाकिस्तान की तरफ दिखाई दे रहा है। और अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ये है अमेरिका, ठीक है। भारत ने किसी भी महाशक्ति के दबाव में आए बिना ऐतिहासिक रूप से स्वतंत्र विदेश नीति का पालन किया, चाहे विश्व व्यवस्था द्विध्रुवीय 1947 से 1991 रही हो, जिसे आप लोग शीत युद्ध के नाम से जानते हैं, एक ध्रुवीय वर्ष 1991 से 2008 रही हो, या बहुध्रुवीय वर्ष 2008 से वर्तमान में रही हो। एक बात और आप लोग याद रखिए, जब आपने देखा होगा कि शीत युद्ध चल रहा था, एक तरफ आपकी शक्तियां थी रूस, सोवियत संघ, और दूसरी तरफ अमेरिका शक्तियां थी, अमेरिका के सहयोगी देश। तो आपने देखा उस समय भी भारत आजाद हुआ 1947 में, तो उसने एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन, यानी कि गुटनिरपेक्षता यानी कि दोनों को छोड़कर एक बीच का रास्ता चुना, सबसे अलग होके, समझ रहे हैं। मतलब भारत को किसी से मतलब नहीं रहा उस समय कि तुम लड़ो कुछ भी करते रहो, तो हमारे संबंध ठीक सबसे बने रहे। आजकल हम देख रहे हैं कि अमेरिका की तरफ हमारा झुकाव बढ़ता जा रहा है, और अमेरिका उस मतलबी दोस्त की तरह होता है, याद रखिए, जो मतलब निकलने के बाद आपको कभी भी छोड़ सकता है। तो हम कभी खुशियां नहीं मना सकते हैं कि अमेरिका हमारा साथ दे रहा है, समझ रहे हैं आप लोग। ये है विदेश नीति की बात करेंगे कि विदेश नीति से तात्पर्य क्या है हमारा। विदेश नीति एक ढांचा है जिसके भीतर किसी देश की सरकार बाहरी दुनिया के साथ अपने संबंधों को अलग अलग स्वरूपों यानी द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय रूप में संचालित करती है। वही कूटनीति किसी देश की विदेश नीति को प्राप्त करने की दृष्टि से विश्व के अन्य देशों के साथ संबंधों को प्रबंधित करने का एक कौशल भी है। किसी भी देश की विदेश नीति का विकास घरेलू राजनीति, अन्य देशों की नीतियों या फिर व्यवहार एवं विशिष्ट भू राजनीतिक परिदृश्य से प्रभावित होती है। प्रारंभ में यह माना जग गया कि विदेश नीति पूर्णतः विदेशी कारकों और भू राजनीतिक परिदृश्यों से प्रभावित होती है, परंतु बाद में विशेषज्ञों ने यह माना कि विदेश नीति के निर्धारण में घरेलू कारक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक समय आपने देखा होगा कि जब अमेरिका में ओबामा साहब थे वहां के राष्ट्रपति, तो उन्होंने काफी हद तक छूट दे रखी थी ईरान को, लेकिन आपने देखा डोनाल्ड ट्रंप साहब आए, तब से इन्होंने मतलब इनका एक तरह से बड़े मूढ़ी दिमागी आदमी है, कि अगर सुबह आप सोचिए कि सबसे ज्यादा ट्विटर यही यूज करते हैं, एक कभी भी कुछ भी बोल देते हैं, समझ रहे हैं। इसीलिए इनकी, और आप सोचिए अमेरिका कमजोर पड़ता जा रहा है। आप भी जानते हैं कि अभी आप लोग श्रीलंका का ही उदाहरण ले लीजिए, जो नई सरकार बनी हुई है उसका झुकाव किसकी तरफ है, चाइना की तरफ। तो ये देख के जाते हैं, मूलभूत कारण रहते हैं, आधार स्तंभ कह सकते हैं आप लोग। अब बात करते हैं भारतीय विदेश नीति के मूलभूत सिद्धांतों की, तो पंचशील सिद्धांत। उल्लेखनीय है कि पंचशील सिद्धांत को सर्वप्रथम वर्ष 1954 में चीन के तिब्बत क्षेत्र तथा भारत के मध्य संधि करने के लिए प्रतिपादित किया गया, और बाद में इसका प्रयोग वैश्विक स्तर पर अंतरराष्ट्रीय संबंधों को संचालित करने के लिए भी किया गया। पांच सिद्धांत निम्नलिखित हैं, कौन कौन से इसमें पंचशील सिद्धांत में कौन कौन शामिल है। एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की का पारस्परिक सम्मान, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना, पारस्परिक आक्रमण ना करना, समता और आपसी लाभ, शांतिपूर्ण सहस्तित्व। और आप अभी सभी देख रहे हैं कि इनमें कोई भी चीन नहीं मान रहा है। चीन ने किस तरह से, आपने देखा है कि हमारे लद्दाख वाले इलाके में घुसपैठ किया हुआ है, समझ रहे हैं, तो वो पंचशील सिद्धांत का भी उल्लंघन कर रहा है। गुट निरपेक्ष आंदोलन, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में भारत ने वर्ष 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में सहभागिता की, जिसके तहत विकासशील देशों ने पश्चिमी व पूर्वी शक्तियों के समूहों को समर्थन देने से इंकार कर दिया। उसी की बात की जा रही है, शीत युद्ध में रूस, सोवियत संघ, रूस और आपका अमेरिका की।
फिर आपने देखा गुजराइल डॉक्ट्रिन, वर्ष 1996 में तत्कालीन विदेश मंत्री रहे इंद्र कुमार गुजराइल की विदेश नीति संबंधी विचारों को लेकर बने सिद्धांतों को गुजराइल डॉक्ट्रिन कहा जाता है। इसके तहत पड़ोसी देशों की बिना किसी स्वार्थ की मदद करने के विचार को प्राथमिकता दी गई है और हम काफी हद तक ये काम करते भी हैं। आपने देखा है कोरोना महामारी के टाइम में हम लोगों ने सभी देशों को दवाई सप्लाई की हुई, अपने देश अपने पड़ोसी जो है इन्हें हम लोगों ने कुछ ज्यादा ही महत्व दिया है। नेपाल को हम लोगों ने देखिए कितने मतलब सहायता की, लेकिन फिर भी हमारी सहायता कबूल कर चीन की तरफ झुक रहा है और ऐसे ऐसी बातें बोल रहा है जो शायद एक दुश्मन भी ना बोले। कह रहा है कि वो जो कोरोना वायरस है उससे खतरनाक भारतीय वायरस है, भारत हमारे यहाँ कोरोना महामारी फैला रहा है, इस तरह के कई वहां के प्रधानमंत्री आप सोचिए राष्ट्र प्रमुख भी इस तरह के वक्तव्य दे रहा है। नाभिकीय सिद्धांत, भारत ने प्रथम नाभिकीय परीक्षण वर्ष 1974 और द्वितीय नाभिकीय परीक्षण वर्ष 1998 में किया। इसके बाद भारत अपनी परमाणु सिद्धांत के साथ सामने आया। इस सिद्धांत के अनुसार भारत तब तक किसी देश पर हमला नहीं करेगा जब तक कि भारत पर हमला ना किया जाए। साथ ही भारत किसी गैर नाभिकीय शक्ति संपन्न राष्ट्र पर नाभिकीय हमला नहीं करेगा। नो फर्स्ट यूज, यानी कि पहले हम लोग इसका इन हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, परमाणु हथियारों का, और हम ऐसे भी देश पर कभी भी इस तरह का हमला नहीं करेंगे जिसके पास इस तरह के हथियार नहीं है। ठीक है, भारतीय विदेश नीति की वर्तमान दिशा की बात करें करंट की, तो वर्तमान सरकार द्वारा राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देने के लिए सभी देशों से परस्पर संवाद के माध्यम से विदेश नीति को पुनर्परिभाषित किया जा रहा है। भारत की वर्तमान विदेश नीति दूसरे देशों से केवल रक्षा उत्पादों की खरीद तक सीमित नहीं है, बल्कि तकनीकी ज्ञान के क्षेत्र में भारत विकसित देशों के साथ प्रयत्नशील भी है। वैश्विक महामारी COVID-19 के दौर में भारत के विदेश मंत्री विकसित देशों के विदेश मंत्रियों के वर्चुअल सम्मेलन में शामिल हुए थे। इस बैठक में विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा है कि भारत कोरोना वायरस की महामारी से लड़ने के लिए करीब 85 देशों को दवाओं और अन्य उपकरणों के माध्यम से मदद पहुंचा रहा है, ताकि ये देश भी महामारी का मुकाबला करके उस पर विजय प्राप्त करें सके। प्रधानमंत्री मोदी ने सार्क देशों के प्रमुखों के साथ वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भाग लिया और तत्पश्चात उन्होंने G20 देशों के प्रमुखों के साथ भी वर्चुअल शिखर सम्मेलन करने का प्रस्ताव रखा। इन दोनों शिखर सम्मेलनों के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी ने COVID-19 की महामारी से निपटने के लिए विभिन्न क्षेत्रीय व बहुपक्षीय मंचों का उपयोग भी किया, जबकि एक समय पर ये सभी मंच नेतृत्वहीन लग रहे थे। इन कूटनीतिक अनुबंधों के अतिरिक्त भारत ने विश्व का दवाखाना की अपनी छवि के अनुरूप भूमिका निभाने का भी सतत प्रयत्न जारी रखा। इसके लिए भारत ने मलेरिया निरोधक दवा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का निर्यात पूरी दुनिया को किया है। आपने एक समय सुना होगा ये हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन वही है जिस पर अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान आया हुआ था, उन्होंने एक धमकी टाइप की दी हुई थी कि सबसे पहले मुझे चाहिए, समझ रहे हैं? वही खाड़ी देशों के साथ भारत ने व्यापक स्तर पर अपनी मेडिकल कूटनीति का इस्तेमाल किया है। जब कई खाड़ी देशों ने भारत से हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन और पैरासिटामोल दवाओं के निर्यात की अपील की, तो भारत ने इन देशों को दोनों दवाओं की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति करने का प्रयास भी किया हुआ है। वर्तमान सरकार ने पूर्व में शपथ ग्रहण समारोह में बंगाल खाड़ी से सटे बहुक्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग परिषद यानी कि बिम्स्टेक के सदस्य देशों को आमंत्रित किया। बंगाल की खाड़ी दक्षिण दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ने वाली कड़ी है। इसमें भारत की प्रथम पड़ोस नीति और एक्ट ईस्ट नीति भी इकरार होती है। इसके उलट सार्क का दायरा भारतीय उपमहाद्वीप तक सीमित है, जबकि बिम्स्टेक भारत को उसकी ऐतिहासिक धुरियों से जोड़ता है। वर्तमान परिदृश्य में देखें तो ज्ञात होता है कि पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत के सामने बड़ी सामरिक चुनौती पेश कर रहे हैं। अभी करंट की बात कर रहा हूं, क्योंकि एक तरफ से आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी साजिशें करता रहता है, एक तरफ से चाइना भी लगा हुआ है। पूर्व में चीन के साथ संबंध सुधार की दिशा में अनौपचारिक शिखर वार्ताएं आयोजित की गई, परंतु चीन द्वारा लगातार भारत की सीमा का अतिक्रमण करने का प्रयास किया जा रहा है।
वर्ष 2016 में उरी आतंकी हमले, व 2019 में आपने देखा है पुलवामा में सैन्य काफलों पर हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक भारतीय नीति के प्रमुख उदाहरण है। श्रीलंका के साथ वर्तमान सरकार के संबंध निश्चित रूप से परंपरा से हटकर है। राजनीतिक रूप से स्थिर भारत सरकार ने भारत श्रीलंका संबंधों को सफलतापूर्वक तमिल राजनीति से अलग निकालकर उन्हें सांस्कृतिक एकता के दायरे में लाया है। विदेश नीति के समक्ष अगर अभी चुनौतियों की बात करें, यानी कि समस्याओं की बात करें, तो वैश्विक महामारी कोविड-19 तथा भारत चीन सीमा पर हुई हिंसक झड़प के बाद वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुई है। ऐसे में भारत को चीन के साथ अपने संबंधों को पुनर्परिभाषित करने की आवश्यकता महसूस हो रही है। याद रखिए, जो आपकी झड़प हुई थी लद्दाख वाले इलाके में हुई थी, कहाँ, इस इलाके में, लद्दाख वाले, ठीक है। चीन की वैश्विक महत्वाकांक्षाओं के कारण उसके साथ संबंध बनाए रखना भारत के लिए चुनौतीपूर्ण है। चीन ने अपनी वित्तीय एवं सैन्य ताकत के जरिए भारत के पड़ोसी देशों में अपना मजबूत प्रभाव जमा लिया है, जो हमारी विदेश नीति के उद्देश्य की राह में बाधक बन सकता है। चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल रणनीति, उसकी चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजना और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजनाओं के लिए सटीक बैठती है। वास्तव में इससे चीन का प्रभाव और भी आगे तक चला जाता है, जो रणनीतिक रूप से हमारे लिए असहज हो सकता है। चीन ने नेपाल और श्रीलंका के साथ अपने रक्षा संबंध और भी मजबूत किए, जो भारत के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। आप किसी भी देश में देख लीजिए, आपके पड़ोसी में कहीं भी देख लीजिए, चलिए आप लोग ईरान का भी हाल ही में उदाहरण ले लीजिए। ईरान में काफी हम लोग काम कर रहे थे, वहां देखा हम लोगों जैसे ही ढीले पड़े, चाइना कुंडली मार के बैठ गया, उसने तुरंत समझौता कर लिया है। आप श्रीलंका का उदाहरण देख सकते हैं, बांग्लादेश में काफी वो परियोजनाएं चला रहा है। आप देखिए, पाकिस्तान को पूरी तरह से अपनी गोदी में रख लिया है, नेपाल को भी अब आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से अपनी तरफ कर लिया है। तो मतलब इन देशों पर, मतलब वो उसका काम साहूकारों का हुआ करता था ना, एक समय आप देखते थे साहूकार हमारे यहाँ हमारे देश में हुआ करते थे, जो किसान को इतना ऋण दे देते थे कि उसका ब्याज चुकाने के लिए भी किसान को साहूकार पर ही निर्भर होना पड़ता था। मूलधन छोड़िए, अगर ब्याज भी किसान को चुकाना है तो साहूकारों से उधार लेना पड़ता था। वही हाल आज किसका है, चाइना का। चाइना इतना ब्याज दे देता है कि उसका ब्याज चुका, मतलब इस ऋण दे देता है कि ब्याज चुकाना भी चाइना से ही लेकर चुकाना पड़ता है, यही हालत है। संयुक्त राज्य अमेरिका व जनवादी गणराज्य चीन के मध्य प्रारंभ हुआ व्यापार युद्ध अब जुबानी जंग में परिवर्तित हो चला है। दोनों ही देश समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई अब भी अवसर नहीं छोड़ते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों ने दोनों देशों के बीच चल रहे इस विचारी के युद्ध को शीत युद्ध 2.0 की संज्ञा दी है। भारत की विदेश नीति के समक्ष संयुक्त राज्य अमेरिका व चीन के मध्य संतुलन साधने की चुनौती है। और आपने देखा है कि अभी चीन पर अमेरिका किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप साहब कसते रहते हैं, उन्होंने तो यहां तक कर दिया कि जो चाइनीज वायरस है, कोरोना वायरस चाइनीज वायरस है। रूस के साथ भारत के संबंध बहुत पुराने और विविधता भरे हैं, लेकिन अमेरिकी प्रशासन के साथ भारत की बढ़ती निकटता से भरोसेमंद और पुराने दोस्त रूस के साथ भावनात्मक संबंधों की स्थिति जो पहले भी थी वह स्थिति नहीं रही है। एक आप ही सोचिए कम से कम, कि जो आपके बुरे वक्त में एक ऐसा दोस्त है आपका, कि जो बुरे वक्त में आपका साथ देता रहा हो, और आज आप बदल कर उसके दुश्मन से दोस्ती कर लें और उसे नजरअंदाज करें, तो आप सोचिए कि आपका जो भरोसेमंद दोस्त होगा वो आपसे दूरियां बना लेगा और आपके दुश्मनों से जाकर मिलने लगेगा। तो यही हाल है रूस। एक समय आप समझते हैं कि इतना भरोसेमंद दोस्त था, हर तरह से हमारी मदद करता था। आज हम लोग अमेरिका की तरफ झुक रहे हैं तो वो हमसे दूर होता जा रहा है। भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान लगातार भारत में आतंकी गतिविधियों को पोषित कर रहा है। भारत को पाकिस्तान के साथ वार्ता करने के लिए तेजी नहीं दिखानी चाहिए और इंतजार करना चाहिए कि पाकिस्तान आतंकवाद जैसे मुद्दों पर क्या कदम उठाता है। ईरान में चीन के बढ़ते प्रभाव को प्रति संतुलित करना भारत की विदेश नीति के लिए एक चुनौती बनी हुई है। अफगानिस्तान ने अमेरिकी सेना की वापसी के बाद उत्पन्न होने वाली शक्ति शून्यता की स्थिति भारतीय विदेश नीति के लिए चुनौती उत्पन्न करी है। श्रीलंका में चीन समर्पित सरकार सत्ता में आ जाना भी
कहीं ना कहीं भारत की विदेश नीति के लिए एक चुनौती है, क्योंकि अभी जो चीन में नई सरकार आई हुई है, इसका झुकाव श्रीलंका का चाइना की तरफ ज्यादा देखा जाएगा। आगे की राय क्या हो सकती है इसमें? तो भारत की प्रथम पड़ोस नीति अच्छी है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा कि कहीं क्षेत्रीय राजनीति में उलझकर हम अपने सुदूर यानी कि दूर के मित्रों की अवहेलना ना कर बैठे। अतः आवश्यक है इस बात की है कि विश्व बंधुत्व की भावना जो भारत की पहचान रही है उसको आगे बढ़ाया जाए। वर्तमान में अमेरिका, ईरान, इजराइल, फिलिस्तीन, चीन, अमेरिका, अमेरिका रूस आदि के बीच मनमुटाव चरम पर है। इसके बीच ना सिर्फ राजनीतिक बल्कि आर्थिक गतिरोध भी बढ़ गए हैं। ऐसे में भारत को कोई भी कदम सोच समझकर उठाना होगा, क्योंकि इन सभी देशों के साथ उसके आर्थिक हित जुड़े हुए हैं। भारत की पाकिस्तान को कुछ समय के लिए अलग थलग करना सही हो सकता है, लेकिन दीर्घकाल यानी कि लंबे समय के लिए यह सही नहीं है। इसलिए वार्ता का रास्ता हमेशा खुला रहना चाहिए, क्योंकि पड़ोसी के विकास के बिना क्षेत्र में शांति स्थापित होना असंभव है। एक बात आप लोग सोचिए कि 21वीं सदी का कहा जाता है कि ये एशिया की सदी मानी जाती है। आप ही सोचिए, अगर एशिया में सभी देश शांतिपूर्ण एक दूसरे का सहयोग कर रहे होते, पाकिस्तान आपका शांत रहता, आप सोचिए कि श्रीलंका और भारत, और आप सोचिए कि चाइना भारत मिलकर रहते, तो आप समझ सकते थे कि मतलब हम सोचिए कि हकीकत में आपकी एशिया की सदी बन जाती, क्योंकि सबसे ज्यादा जनसंख्या आपकी चीन और भारत में, तो बाजार भी यहाँ है और आराम से मार्केटिंग हो सकती थी। लेकिन आप देख रहे हैं कि एकता नहीं है और अशांति फैली हुई है। रूस हमारा पारंपरिक मित्र रहा है, इसलिए अमेरिका से मजबूत रिश्ते के बावजूद रूस से बेहतर संबंध आवश्यक है। भारत की विदेश नीति को अमेरिकी प्रभाव से मुक्त करना भी आवश्यक है, क्योंकि अभी हम कुछ ज्यादा ही अमेरिका की तरफ झुक रहे हैं। हमें भारत, अमेरिका, जापान त्रिपक्षीय संवाद के साथ संपर्क और भी बढ़ाना चाहिए, या फिर बेहतर होगा कि समान क्षेत्रीय उद्देश्यों वाले समूह में ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल कर चतुर्पक्षीय संपर्क बढ़ाया जाए। तो ये हालत है आपका विदेश नीति का, भारत की विदेश नीति के संदर्भ में। ठीक,